हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम वर्कशीट नंबर 6 डिस्कस करेंगे, जिसकी डेट है बच्चों 12 अक्टूबर 2020। सब्जेक्ट है आपका सामाजिक विज्ञान, जो कि भूगोल के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और कक्षा है बच्चों आपकी ये 7th, जो कि इंडिविजुअल वर्कशीट है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके बाद उसके प्रश्न और उत्तर को करेंगे। तो हमेशा की तरह बच्चों, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आप न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब जरूर करें विद बेल आइकन, जिससे कि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत आपके मोबाइल पे पहुंच जाए। तो बच्चों, टॉपिक है हमारा मानव निर्मित पर्यावरण। तो प्रकृति ने हमें हवा, पानी, वनस्पति, मिट्टी आदि कई चीजें ऐसी प्रदान की है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। प्रकृति से मिली इन चीजों का उपयोग मानव कच्चे माल के रूप में करता है या अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन करता है। वह अपने तकनीकी ज्ञान और विचारों का उपयोग प्राकृतिक पर्यावरण की चीजों पर करता है और इसे मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तित कर उपयोग करता है। तो बच्चों, अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानव जिस पर्यावरण की रचना करता है उसे ही मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया मानव निर्मित पर्यावरण क्या है। तो उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं, जैसे कि पेड़ों को की लकड़ी से फर्नीचर बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा अलग अलग पेड़ जो है फर्नीचर के हिसाब से शेप बना दी जाती है और उसके हिसाब से फर्नीचर बनाए जाते हैं। घर बनाने के लिए आपने देखा होगा इट्टे मिट्टी से बनाई जाती है, मिट्टी से ईंटे बनाई जाती है और उससे घर बनता है। वाहन, बर्तन आदि बनने के लिए धातुओं का उपयोग किया जाता है। तो ये है कुछ एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किए मानव निर्मित पर्यावरण कैसे करता है। उसके बाद देखते हैं बच्चों, कई बार मानव निर्मित पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण पर गलत प्रभाव डाल देता है, जैसे कि वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ये समझने का है पॉइंट कि मानव निर्मित पर्यावरण, यहाँ पर पर्यावरण जो है के हिसाब से मानव जो है निर्मित कर रहा है, मगर वो पर्यावरण के हिसाब से गलत प्रभाव डाल रहा है। जैसे कि वाहन और उद्योग से निकलने वाला जो धुआं है वो प्रदूषित पॉल्यूशन करता है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। तो मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने तथा उसका उपयोग सीखना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, मानव निर्मित पर्यावरण, जैसे कि आप देख पा रहे हो उसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये पार्क है, ये सड़क है, पुल है, उद्योग इंडस्ट्री जो बनाई हुई है, ये इमारतें बनी हुई है और ये स्मारक बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ एग्जाम्पल है मानव निर्मित पर्यावरण के, जो कि चित्र के साथ आप देख पा रहे हो। पहला प्रश्न है, मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन क्यों करता है, क्यों मनुष्य परिवर्तन लाता है। तो उसके आंसर को देखते हैं बच्चों कि क्या होगा इस पहले प्रश्न का उत्तर। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानव पर्यावरण में बदलाव करता है, क्योंकि उससे क्या है कि उसको बहुत आसानी हो जाती है और अपना जीवन सुविधाजनक दिखता है, तो इसलिए वो परिवर्तन करता है मानव पर्यावरण में। दूसरा प्रश्न है, अपने आसपास से उन चीजों की सूची बनाइए जो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। ऊपर बताया गया था बच्चों, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, वाहनों और उद्योगों से प्राप्त जो हवा मिलती है वो प्रदूषित कर देती है, क्योंकि वाहन का जो धुआं और उद्योगों का जो धुआं है वो हवा को दूषित कर देता है, इसी को बोलते हैं प्रदूषित कर देता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे पहले दो प्रश्न के उत्तर। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर कुछ उदाहरण आपको बताने हैं, अपने आसपास से कुछ उदाहरण लेकर निम्नलिखित तालिका को आपको भरना है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, मानव निर्मित पर्यावरण मानव से बनाया हुआ जो चेंजेस लाते हैं, जैसे कि कार, पंखा, कार भी मानव के द्वारा बनाया जाता है और पंखा भी मानव के द्वारा ही निर्मित पर्यावरण के हिसाब से बनाया जाता है। इस तरह से आपने कुछ और एग्जाम्पल लिखने हैं, जैसे कि ऊपर दिया हुआ था पुल जो है वो भी मानव के द्वारा ही तैयार किया जाता है अलग अलग मटेरियल को यूज करके। उसी तरह से ऊपर यहाँ पर दिया भी हुआ था स्मारक, ठीक है बच्चों, तो ये भी क्या है मानव के द्वारा ही बनाए जाते हैं।
प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण मतलब जो पहले से ही प्राकृतिक के हिसाब से पर्यावरण में आते हैं, जैसे कि नदी, पर्वत, इसी तरह से प्राकृतिक पर्यावरण। और कुछ आपको लिखने हैं, तालिका बनानी है, भूमि ये भी प्राकृतिक पर्यावरण है, हवा ये भी प्राकृतिक पर्यावरण है, पानी, पौधे, ये सारे कुछ आप बच्चों यहाँ पर लिख सकते हो, और जानवर। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके प्राकृतिक पर्यावरण और ये थे आपके मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, पसंद आई, तो इसको लाइक करिए स्टूडेंट्स, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, जिससे कि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलती रहे तुरंत और तुरंत। और फाइनली बच्चों, इस वर्कशीट को जल्दी से शेयर करिए, जिससे कि सभी बच्चे इस वर्कशीट को टाइमली कंप्लीटली कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट, नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।